हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बार्ले वेजिटेबल खिचड़ी की रेसिपी। खिचड़ी ऑलवेज बच्चों के लिए हेल्दी ही होता है क्योंकि उसमें दाल होता है, वेजिटेबल्स होता है, तो बच्चों के लिए एक परफेक्ट फूड होता है खिचड़ी। आपको मेरे चैनल में बहुत सारे खिचड़ी की रेसिपी मिल जाएगी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल बार्ले खिचड़ी की रेसिपी। बार्ले बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, फाइबर रिच होता है, आपको बच्चे को बार्ले ज़रूर देना चाहिए। ये जो खिचड़ी है ये आप अपने बच्चे को उसके ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में बना के दे सकते हैं, उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिलीशियस होता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मेरे किचन में आज बना लेते हैं वेजिटेबल बार्ले खिचड़ी। तो बार्ले खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बार्ले, इसको मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखा था। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर भिगो के रखोगे तो खिचड़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। मूंग दाल, यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है जैसे कि ये कैरेट, पडवल, ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो, ये मैंने कुछ करी लीव्स लिया है। करी लीव्स देने से खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये एक हरी मिर्च लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ मसाले लिया है जैसे कि ये जीरा, नमक और हल्दी। अब सबसे पहले मैं गैस में दे रही हूँ प्रेशर कुकर, क्योंकि मैं ये पूरा खिचड़ी प्रेशर कुकर में ही बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो मूंग दाल है वो मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप चाहो तो आप मूंग दाल और बार्ले एक साथ भिगो के भी रख सकते हो, बट अगर ऐसे मूंग दाल पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो खिचड़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। तो बस ये मूंग दाल मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, अब मैं इसको निकाल के रख दूंगी। अब मैं इसी प्रेशर कुकर में दे रही हूँ थोड़ा सा घी, क्योंकि खिचड़ी मैं घी में बनाने वाली हूँ। बच्चों का खाना अगर आप घी में बनाएंगे तो वो और ज़्यादा हेल्दी बनेगा और टेस्टी भी बनता है। अब घी गर्म होने पर मैं इसमें दे रही हूँ ये हरी मिर्च, और अब मैं इसमें दे दूँगी जीरा और ये करी लीव्स भी दे दूँगी। अब इन चीज़ों को थोड़ी देर तिरकने देते हैं। अगर आप हरी मिर्च ना देना चाहो तो ना भी दे सकते हो, बट मैं अपनी बेटी के लिए ये हरी मिर्च दे रही हूँ क्योंकि बस इसके टेस्ट के लिए, इससे तीखा नहीं होगा खिचड़ी। और अब मैं इसमें दे दूँगी ज़रा सा हींग, बस चुटकी भर हींग। आहा, घी में हींग का तड़का, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इतना अच्छा लगता है खिचड़ी का, बहुत अच्छा लगता है। तो हींग आप ज़रूर दीजिएगा और बच्चों के लिए हींग बहुत हेल्दी भी होता है। और अब मैं इसमें धीरे धीरे सब्ज़ी ऐड करूंगी, जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑनियन दे रही हूँ। ऑनियन के साथ थोड़ी देर मैं इसको कुक करूंगी, थोड़ी देर मतलब बस इसको मिक्स कर लेना है मुझे घी में। और अब मैं धीरे धीरे सारी सब्ज़ी इसमें ऐड कर दूंगी, जैसे कि ये पटबल, ये गाजर, पोटैटो, टोमेटो मैं बाद में ऐड करूंगी। टोमेटो अगर अभी दे दूंगी तो टोमेटो गल जाएगा, इसलिए टोमेटो हम बाद में ऐड करेंगे। और इन सारी सब्जी को मैं थोड़ी देर कुक करूंगी बिल्कुल लो फ्लेम में। मुझे इसको फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी देर कुक करना है ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो करीबन एक मिनट मैंने इन सब्जियों को कुक किया है बिल्कुल लो फ्लेम में। अब मैं इसमें दे दूंगी वो टोमेटोज जो मैंने रखा था, टोमेटो के साथ मैं इसको मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इसमें दे दूंगी नमक, हल्दी, और बिल्कुल लो फ्लेम में मैं फिर से थोड़ी देर इसको कुक करूंगी। तो करीबन एक मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बार्ले जो हमने भिगो के रखा था। बार्ले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें दे दूंगी वो ड्राई रोस्ट किया हुआ मूंग दाल, मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम में आपको सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अब मैं इसमें दे दूंगी पानी, तो मैं यहाँ पे करीबन 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। अब पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस प्रेशर कुकर का हम लीड लगा देंगे और इसमें कम से कम 6 से 7 सीटी आने तक हम इसको कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 सीटी लगाया है और प्रेशर कुकर का मैंने गैस निकलने के लिए रख दिया था। अब प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम इसको ओपन करेंगे और देखते हैं। यार है, जैसा कि आप देख सकते हो बार्ले भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, सर्व कर चुका है। अब मैं ये खिचड़ी निकाल के सर्व कर दूंगी।
तो बस ये है हेल्दी टेस्टी बारले खिचड़ी की रेसिपी, और बहुत क्विकली बन भी जाती है और बारले बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। ये खिचड़ी आप इजीली अपने बच्चे को लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में बना के दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और होता है ना कि हर रोज़ एक ही तरह का खिचड़ी खा खा के बच्चे बोर हो जाते हैं, बट खिचड़ी बच्चों के लिए ऑलवेज हेल्दी ही होता है। तो आप ऑल्टरनेट करके बहुत सारी खिचड़ी बच्चों को दे सकते हैं बना के, उसमें से ये बारले खिचड़ी एक बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन होगा आपके बच्चे के लिए। तो बस ये थी वेजिटेबल बारले खिचड़ी की रेसिपी। देखा आप लोगों ने कैसे झटपट बन गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप ये बारले खिचड़ी अपने बच्चे को कभी भी, मतलब ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में बना के दे सकते हैं, उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसका पेट भी बहुत अच्छे से भर जाएगा। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप ये बारले पूरी रात भिगो के रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट होगा, बच्चा इजीली खा पाएगा। बट अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप 2-3 घंटे सोक करेंगे तो भी चलेगा, और अगर सोक नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको अच्छे से बॉयल करना है, मतलब बर्ले को सॉफ्ट कर देना है ताकि आपका बच्चा इजीली खा सके। तो बस आई एम श्योर कि ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।